रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ एवं इनरबिल क्लब बरेली न्यू नॉर्थ का संयुक्त अधिष्ठापन समारोह कार्यक्रम रोटरी भवन में पूर्व गवर्नर रोटेरियन पीपी सिंह के मुख्य संयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना एवं वरिष्ठ अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आईएस तोमर रोटेरियन टीपीएस सेठी की गरिमा में उपस्थिति रही। क्लब के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि का माला एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। समारोह में रोटरी नॉर्थ के अध्यक्ष रोटेरियन एनके कोहली एवं सचिव रोटेरियन राजेश कुमार सेठ ने अपनी टीम के साथ पदभार ग्रहण किया। साथ ही इनरबिल के अध्यक्षा मुंजुला खंडेलवाल एवं सीमा टीबरीवाल ने सचिव का पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम के संयोजन पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन पीपी सिंह ने सभी रोटेरियन साथियों से आह्वान किया कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया है, हम सभी को उस पर कार्य करना है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए समारोह में लोगों को शपथ दिलाई कि वह अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने क्लब के सदस्यों को पुरस्कार वितरित किए एवं नई टीम को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, क्लब सेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। समारोह की अध्यक्षता रोटेरियन एनके कोहली ने की तथा संचालन रोटेरियन शिरीष गुप्ता ने किया। समारोह में मालती देवी, हर्ष सक्सेना, सुनील भसीन, राजपाल सिंह आदि सदस्यगण उपस्थित रहे। यहाँ रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ के इंस्टॉलेशन आए थे, जिसमें इनके नए प्रेसिडेंट और नए सेक्रेटरी आज से चार्ज लिया है और वो कार्य कर रहे हैं। और पिछली बार इन लोगों को 17 अवार्ड मिले, उसके लिए मैंने इन्हें सबको बधाई दी है। और उसके साथ ही साथ रोटरी के अंदर एनवायरनमेंट पे बहुत जोर दिया जाता है और एनवायरनमेंट को सही करने का तरीका है पेड़ लगाना। मैंने यहाँ ध्यान दे के सभी से यही कहा है कि हमें सभी रोटेरियंस को 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के दिन, हर घर में एक तिरंगा होना चाहिए और हर घर में एक फल का पेड़ होना चाहिए। साथ ही साथ हर एक के द्वारा एक पेड़ होना चाहिए, बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, हर एक को एक पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ वहीं लगाएं जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके, जहाँ पेड़ की नराई हो सके, पेड़ को पानी मिल सके, तो पेड़ वहीं लगाइए जहाँ पेड़ सुरक्षित रहे। पेड़ वही लगाए जो ये संकल्प ले कि हम 2 साल तक पेड़ की देखभाल करेंगे। सड़क पे लगाएं तो ट्री गार्ड के साथ लगाएं, किसी पार्क में लगाइए, अपने घर में लगाइए, ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके। रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ और इनरबिल क्लब न्यू नॉर्थ का संयुक्त अधिष्ठापन समारोह था यहाँ पर रोटरी भवन में, और इसमें हमारे नए अध्यक्ष एनके कोहली जी ने और इनकी टीम ने पूरी शपथ ली। इसके साथ साथ मंजुला खंडेलवाल जी ने और उनकी पूरी टीम ने इनरबिल की शपथ ली। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी, वन मंत्री अरुण कुमार जी चीफ गेस्ट थे। और इस कार्यक्रम में हमने जो रोटरी नॉर्थ के माध्यम से हम बहुत सारे सेवा के कार्य कर रहे हैं उनको भी बताया गया। जैसे पूजा सेवा संस्थान का कार्य हम कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं पिछले 12 साल से, उसमें रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ और इनरबिल क्लब न्यू नॉर्थ का पूरा सहयोग है। हमारा एक कार्यक्रम जो चल रहा है जिसके तहत हम जन्मदिन पर पेड़ लगाने का बच्चों को संकल्प दिलवाते हैं अलग अलग स्कूलों में जा कर के। आज माननीय मंत्री जी के सामने भी हमने वो संकल्प हमारे सारे रोटेरियंस से, इनरबिलर से, सभी से वो संकल्प, वो शपथ यहाँ पर दिलवाई और ये संकल्प लिया फिर यहाँ पर कि प्रत्येक जन्मदिन पर हम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका रखरखाव करें, क्योंकि हमारी सरकार भी यही चाहती है, हमारे मंत्री जी भी यही चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में रोटरी आगे आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ गिफ्ट ऑफ लाइफ के माध्यम से हम छोटे बच्चों के दिल के छेद के ऑपरेशन कराते हैं, जिसमें 20 साल से छोटे ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं दिल के छेद का, उन बच्चों के ऑपरेशन हम नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में और दिल्ली के एस्कॉट हॉस्पिटल में कराते हैं। ऐसे कोई भी बच्चा, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज में ऐसा कोई भी बच्चा, चाहे वो बरेली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर हो, अगर वो हमारे पास तक पहुँचता है तो हम उसका ऑपरेशन रोटरी के खर्चे पर गिफ्ट ऑफ लाइफ के माध्यम से कराने का पूरा प्रयास करेंगे और कराएंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।